वेलकम बैक टू जागो लाहौर। हम कार्टून्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर तैयबा, आपकी जानिब आऊंगी। अभी आयशा जावेद साहब ने कहा कि स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, अभी पहले आपने टाइमिंग की भी मेंशन किया कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भी बहुत सारी चीज़ों में जहाँ रेवोल्यूशन आया, वहाँ इसकी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं। इस हवाले से क्या देखिए, ठीक है, हम लोग अपना कॉन्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो एक है कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। अब अगर हम लोगों ने इंडिया के कंटेंट की बात की तो उनके भी मोर देन 50% जो कार्टून्स हैं वो आउटसोर्स होते हैं और वो उसको डब करते हैं अपनी लैंग्वेज में। बट ऑब्वियसली वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपना कल्चर, अपनी लैंग्विस्टिक्स को ही प्रमोट करेंगे ना। हम लोग तुर्किश ड्रामों को कॉपी करते हैं, हम उनको डब करते हैं उर्दू में। अब सर ने जैसे बात की कि हम लोगों की यहाँ पर हम लोगों को हीरो की स्टोरीज और ऐसे नहीं मिलती, लेकिन हमारी हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री इतनी रिच है विद लॉट्स ऑफ हीरोज। तारिक बिन ज़ियाद हैं, खालिद बिन वलीद हैं। अब तुर्किश कल्चर मुझे इसलिए भी पसंद है कि वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करते हैं, वो कार्टून्स इन नेशनल स्टोरीज पे बनाते हैं, रिलीजियस स्टोरीज पे बनाते हैं। तो जब अगर आप उनके ड्रामास कॉपी कर सकते हैं, उनको डब कर सकते हैं, तो फिर आप उनके कार्टून्स क्यों नहीं डब करें? क्योंकि वो एक अच्छी एक्टिविटी होगी आपके बच्चे के लिए, हमारे मुल्क के बच्चे के लिए, आपका बच्चा हमारा भी है, क्योंकि उसी ने आगे हम लोगों को लेके चलना है। सो उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरबियत के लिए ये चैनल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर आप एडल्ट्स को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए आप उनके प्लेज ले रहे हैं, वहाँ पर आप इस तरह के कार्टून्स को लें, उनको डब करें। उससे ये होगा कि आप अपना कल्चर, अपनी स्टोरीज, अपनी हिस्ट्री को प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने और फिर वही आप अपनी तरबियत भी लेके जाएंगे। क्योंकि अगेन वही, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, तो वो टेक्नोलॉजी पहले मिसयूज होती है, फिर उसका यूज आता है। सो अभी बाकी सब, अगर हम अपनी सराउंडिंग्स में बात करें, हम नेशनल इंटरनेशनली बात करें, तो वो लोग टेक्नोलॉजी को टू सम एक्सटेंट अभी उसको यूज करें, बट हम लोग अभी भी उसको मिसयूज कर रहे हैं। सो आई थिंक अब ये दिस इज द राइट टाइम कि हम उस टेक्नोलॉजी को भी अब यूजफुल बनाए, यूज बनाए। सही हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर है जी, सना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उर्मिला। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका सना? मैं ठीक हूँ उर्मिला, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगी उर्मिला? सर को भी अस्सलाम वालेकुम और आपकी बाकी गेस्ट को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उर्मिला, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को आजकल कार्ड पे इतनी जुबानी आदत है। मेरी छोटी वाली जो बेटी है मीना, उसको तो बाकायदा ये पता होता है कि अब डायलॉग क्या बोलना है, अब सीन में क्या होगा, इतना उनको जबानी सीन मेरी बेटी को याद होते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट जब तक इसको बंद नहीं करेगी, हम अपने बच्चों को रोक नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, हम कम से कम टीवी पे तो बच्चों को नहीं रोक सकते ना, अब सारा दिन बच्चों के पास तो मां नहीं बैठती ना। जब तक ये खुद से केबल ऑपरेटर्स या गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगी, हम बच्चों को नहीं रोक सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया सना, इस हवाले से कमेंट लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि हम बच्चों को किस तरह से रोकें। सर, हम तो नहीं रोक सकते उनको, जब उनके पास टाइम ही दिन में एक घंटा है जिसमें उन्होंने पढ़ाई के अलावा कुछ करना है। बड़ा मुश्किल है। बच्चे जो है ना, वो तो हम बच्चे हैं उनके लिए। हाँ। अब वो बच्चे नहीं रहे। हाँ। जो पेरेंट्स है ना, बिल्कुल, वो अब जब हम अपना पुराना दौर सोचते हैं तो उसमें तो जो बात कह दी वो पत्थर पे लकीर है। हाँ। तो अब वो बच्चे जो कह देते हैं, वो मेरा ख्याल है कि कार्टून देखने से, उनको रोकने से पहले उनकी तरबियत किसी तरह हमें करनी है कि वो वैल्यूज़ लाएं। कि जो एक जो मसलन मैं अगर ये कहूँ, जो मेरा मुशाहदा है, मैं मेरे छोटे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों के घरों में दे डिक्टेट। अब वो मुझे ये भी शक पड़ सकता है कि बच्चे कहें जी आप छोड़ दें आप टेलीविजन, आप हमारे लिए बिल्कुल, कई घरों में एक ही हाँ। टेलीविजन होता है ना, बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। तो नहीं है सबके घरों में। हम एलीट्स की बात नहीं कर रहे, हम वो बात कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में है, बिल्कुल। तो उसमें एक सेट भी हो सकता है। तो बच्चे जो हैं वो तो वो कहेंगे कि जी आप इधर हो जाए। आप अब हम मेरे घर में खातून ने टेक ओवर किया हुआ, वो जो ड्रामा देखेगी वो मैंने भी देखना है। तो अब मुझे, मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि आप कौन सा कार्टून देखते थे टीवी पे?
सर मैं टॉम एंड जेरी, कैंप कैंडी, निंजा टर्टल लगता था वो, आई लव दैट। और मैंने अपने छोटे भाई के साथ, क्योंकि ही वाज लाइक 9, तो हम उसे ऐसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ते थे, तो मैं उसके साथ बैठ के उसकी कार्टून सीरीज देखी। आई रिमेम्बर मैंने मीना के कार्टून देखे हुए, और वो मीना के कार्टून में वो पूरी स्टोरी, उसकी फैमिली और सारी वैल्यूज बताई जाती थी, और वो हफ्ते में एक दिन आता था। मुझे जो मेरा फेवरेट था, आई स्टिल रिमेंबर, कैप्टन प्लैनेट था। वो जो फाइव रिंग्स नहीं थी, वाटर, अर्थ, वो सुने अपने आप को रिफ्लेक्ट करते कि मेरे पास मेरे लिए ये नया कि हम ये देखते थे सेसमी स्ट्रीट। आई थिंक कि उनको क्रेडिट देना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है ना, मैं कहूंगा कि सारे प्रोग्राम एक तरफ छोड़ दें, सेसमी स्ट्रीट एक तरफ। वाह, उसमें अब ये है कि अब टॉम एंड जेरी, मुझे अफसोस होता है, आई फील वेरी बैड कि जब वो मैं देखता हूँ ना कि वो मिस है, कोई कोई लगा देता है उसमें, उसकी स्क्रिप्ट, उसका बकायदा पूरी फीचर फिल्म होती, फिल्म होती, उसमें कुछ बोलना तो है ही नहीं ना, सिर्फ एक्शन से और उससे सारा कुछ। और मेरा ख्याल है कि आज की इस महफिल में जब तक हम वाल्ट डिज्नी को कोई ट्रिब्यूट ना पेश करें, 1920 जबकि टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी या उसमें पूरी फीचर फिल्म सिंड्रेला या जो भी हैं स्नो वाइट, तो मैं काफ़ी साल पहले गया था अमेरिका, तो एक मैनहट्टन में एक स्टोर में एक उसका फोटो फ्रेम, आपको पता ना एक मिनट में 24 या एक सेकंड में या मिनट में, मुझे भूल गया, इतनी ज़्यादा तादाद होती है कि वो फिर जब उसको एक एक फ्रेम को फिल्म बनाते हैं तो वो मूवमेंट आ जाती है। उसका सिर्फ एक फ्रेम $200 का था, लेकिन वो उसी सिंड्रेला का या जो भी था, सही, तो वो एक सेकंड के अंदर होता था, एक सेकंड में, वो एक सेकंड में 24। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो काम है कितना टायरिंग है। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसने इसमें भी बड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं, लेकिन आप तसव्वुर करें वाल्ट डिज्नी का और उसकी जो फिल्में हैं उसको देख के जनरेशन जो हैं उन्होंने तासर ली। अभी ये सिंड्रेला जो है वो उसी तरह वो अभी तक वो अभी कहीं तक वो चल रहा है, और उसको तो, रीमेक हम बार बार कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, तो बाकी जो जिन प्रोग्राम्स के आप नाम ले रही हैं ना, मीना, शीना, फलाना, मुझे नहीं पता कि इतना कुछ आ गया अभी। ये बहुत पुरानी, अब नहीं आती है। अच्छा अच्छा, मैं आने से पहले ना मैंने भी कहा कि हमारा जो मेन उस्ताद है ना गूगल, मैंने गूगल किया तो मैं आई गॉट कंफ्यूज्ड, मैं क्या नहीं नहीं कॉमन सेंस की बात करेंगे तो इतना हमने कौन सा ध्यान देना है। सर एक कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ किरण है, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा जी, मेरे दो बच्चे हैं, टॉडलर्स हैं, ठीक है, तो वो समहाउ और अदर मतलब सीरीज के पीछे काफी दीवाने हैं, जैसे डोरेमोन है, चलती है, तो उसके ऊपर सारा दिन बस मतलब बहस होती रहती है, झगड़ा होता है, अगर तो उन्हें दे दें टैब तो फिर तो बड़ी पुरसकून है, और अगर ना हो तो इतने टैंट्रम थ्रो करते हैं हत्ता के मतलब अपनी माँ को मारने तक आ जाते हैं, या फिर वो सुपर हीरोज के कार्टून देखते हैं और उसी तरह एक्ट करना के कोशिश करते हैं, मतलब बस डर ये रहता है कि कहीं स्कूल में जाके किसी को हर्ट ना करें, अपने आपस में ही बहन भाई आजमाते रहते हैं या कुश्तम कुश्ती, तो एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। आपको किरण कुछ स्टेप्स चाहिए राइट हमारे पैनल से? जी जी जी, ठीक हो गया, उनके ये बन गया कि बस हमने बड़े होके ये बनना है, एंटमैन बनना है या सुपरमैन बनना है, ठीक हो गया। किरण अभी जवाब लेते हैं, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आयशा आपकी जानी पाऊंगी, इनका सवाल भी साथ में, और साथ में बच्चों का जो वॉयलेंस वाला एलिमेंट है बहुत ज्यादा हो गया। मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सच है कि बच्चों को वही जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम जो है एक्सपोजर है टीवी की तरफ जाता है। अच्छा, बच्चे अग्रेसिव भी हो रहे हैं इसकी बहुत, क्योंकि जैसा वो कार्टून कैरेक्टर वो देख रहे हैं उसके साथ अपने आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने आपको एसोसिएट कर रहे होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर टेंडेंसीज भी आ रही होती है। अच्छा, बींग अ साइकोलॉजिस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर वेरी इंपॉर्टेंटली कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के अंदर एग्रेशन कार्टून कैरेक्टर्स की वजह से नहीं आ रहा, ये बात कंफर्म करने की बात है। बच्चा क्योंकि सारा वक्त अगर टीवी के सामने बैठा हुआ है, स्लगिश है, लेथार्जी है, उसको अपनी एनर्जी से कहीं ना कहीं निकालनी है, आप बच्चे को आप खेलने के लिए बाहर आउटडोर गेम्स के लिए भेजें, बच्चा कभी भी अग्रेसिव नहीं होगा नो मैटर व्हाट यू आर शोइंग टू द किड। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट को कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी, सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, इवन ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स में भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि बच्चों को क्या चीज़ अवेलेबल है थ्रू पैमरा, हमारे मीडिया के थ्रू क्या चीज़ अवेलेबल हो रही है। अच्छा,
टिप्स की अगर मुझसे ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड अगर मुझसे कोई पूछेगा तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को 100% इंडोर्स करूंगी. बच्चों को आप स्विमिंग करवाएं, आप बच्चों को फुटबॉल खेलने दें, लेकिन उसको आउटडोर गेम्स की 100% उसको आप लेके जाएं. आप खुद देखेंगे उसके एग्रेसिव टेंडेंसीज कम हो जाएंगे. अच्छा. उसकी नींद, उसका खाना पीना और उसकी फिजिकल एनर्जी जो है बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द एग्रेसिव बिहेवियर्स. जितना बच्चा ग्राउंड में ग्रीन ग्रास में जितना नेचुरल के नेचर के करीब रहेगा उतनी उसकी एग्रेसिव टेंडेंसीज करीब रहती हैं. अब जहाँ तक हम बात करते हैं मीडिया की, मीडिया का एक्सपोजर डेफिनेटली है, बच्चे भी देखेंगे और हमारे इन मीडिया के एक्सपोजर के थ्रू ही हमारे बच्चों के वैल्यूज, उनके स्टीरियोटाइप्स हैं. जिस टाइम सर सिंड्रेला के बारे में बात कर रहे थे, आपको पता है कि सिंड्रेला की वजह से, मैं अपने खुद में आपको हकीकत बता रही हूँ, मेरा एक प्री कंसीव नोशन था कि सिंड्रेला एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पतली सी लंबे बाल गोल्डन बाल और आपके वो सेल्फ इस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस इशूज आपके डेवलप होते हैं. एंड देन ऑल्सो डेवलपिंग दैट स्टीरियोटाइप के एक लड़की इज शी इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इनफ कि शी इज डिपेंडेंट ऑन अ मैन टू रेस्क्यू हर. वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि वो बात करना डिस्कशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. खैर अब ऐसे बहुत सारे कार्टून आ रहे हैं, ऐसी फिल्म आ चुकी हैं जिसको कॉन्ट्रडिक्ट करिए कि नहीं, एक औरत भी इंडिपेंडेंटली शी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी इज नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन द मैन. हमारे जो फिल्म इंडस्ट्री में तीन बहादुर की तीन स्टोरीज आ चुकी हैं, वेल डन टू दोस पीपल जिन्होंने हमारे जो हमारे कल्चर को एक मॉरल एथिकल वैल्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के अंदर, और बच्चों ने उसको इनकार्केट भी किया है, उसको एब्जॉर्ब भी किया है. सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके बच्चे, जो भी कॉलर जिनका मैं जवाब डायरेक्टली देना चाहूंगी, आपके बच्चे जो भी देख रहे हैं उनके साथ बैठ के देखें, उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि कार्टून क्या है, रियलिटी क्या है. अक्सरों का जो बच्चे सुपर हीरो बन के जंप लगा देते हैं बिकॉज हम उनसे डिस्कस ही नहीं करें कि ऐसा नहीं होने लगा. सर हम टॉम एंड जेरी की बात करते हैं, टॉम एंड जेरी के अनरियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस है, वो जेरी है वो एक दूसरे को मार रहे हैं, वो स्मैश कर रहे हैं और वो दोबारा जिंदा हो जाते हैं, अनरियलिस्टिक है ना. और वही वाली बात है कि शुरू के कुछ इनिशियल ईयर्स में अगर हम बच्चों के अंदर ये बेसिक चीजें डाल देंगे, बाकी की जिंदगी आपकी बहुत आसान है, क्योंकि आपने बच्चे के माइंड को इतना प्रोग्राम कर दिया है कि अगर आप उधर नहीं भी है तो बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है वो क्या देख रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चे के साथ बैठे, इससे क्या होगा आपकी बॉन्डिंग भी डेवलप होगी. तैयबा अभी जिस तरह से आयशा और जावेद साहब बात कर रहे थे, वही बात कि बच्चों के लिए ये सारी चीजें हमें खुद से उनको अल्टरनेट पे लेकर जाना है, अल्टरनेट नहीं तो टाइम्स पे रिस्ट्रिक्शन हो, सारी चीजें हो और पेरेंट्स खुद बैठकर साथ देखें ताकि उन्हें आइडिया. अभी जिस कार्टून की बात कर रही थी डोरेमोन की, उसमें सारी बदतमीजियां एक कार्टून में समोई हुई और बच्चे वो देखते हैं और आइडियलाइज, वो कहते हैं ये काम नहीं होता, गैजेट से कर लेंगे. मतलब उनको एक फैंटेसी आपने उसमें लेकर चले गए ना. देखिए वो एक एडिक्शन है ना, और एडिक्शन जब ख़त्म होगी तो ऑब्वियसली आप अग्रेसिव होंगे. अब अगर हमने ये जो डोरेमोन की बात की, तो माशाल्लाह मैं अभी उस बच्चे का, मेरा तो डेली बेसिस पे उसके साथ एक्सपोजर रहता है, ही इज़ 12 माशाल्लाह. लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मतलब बच्चे वो डोरेमोन देख देख के एक स्टेज ऐसी आती है कि उन्हें लगता है कि वो भी डोरेमोन है. सो एक्चुअली इट हैपेंस कि ही वॉज अबाउट टू जम्प फ्रॉम द रूफ टॉप. तो सबसे बेस्ट जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो पेरेंट्स और मदर्स होते हैं. सो आप ऑब्वियसली, क्योंकि एंटरटेनमेंट हमने बच्चों को देनी है ना, आप उनको कार्टून्स देखने दें, ज़रूर देखने दें, लेकिन ये है कि उनको पेरेंटल गाइडेंस के साथ उनको वो एक्सपोजर दें. और दूसरा ये, क्योंकि अब जैसे मैंने ये भी देखा है कि इफ़ यू लाइक वॉन्ट टू फीड द बेबी, आपने उसको गैजेट दे दिया है, अब वो कार्टून देख रहा है और आप खाना खिलाते जा रहे हैं. इंस्टेड ऑफ आप उससे बात करना शुरू करें, आप उसे कोई स्टोरी टेलिंग, अब बिल्कुल ही खत्म हो गई हुई है. मतलब पहले हमारे बचपन में बेडटाइम स्टोरी होती थी, बेडटाइम होती थी, उसके अलावा खाने खिलाने के लिए भी अगर हम नहीं, बच्चे नहीं खा रहे तो हमारी मदर्स मतलब बात करती थी या स्टोरीज सुनाती थी. सो ठीक है कि आप जो मदर्स हैं उन पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर के काम करने एंड ऑल दैट, लेकिन कार्टून से निकालने के लिए या उस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए या उस एग्रेसिवनेस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें. आप किचन में जा रहे हैं, उसको साइड पे कहीं सेफ जगह पे आप बिठा लें, आप उससे बात करें. मुझे याद है मेरी मदर, क्योंकि शी वॉज़ अ वर्किंग लेडी, तो उनके पास भी टाइम थोड़ा कम होता था, लेकिन वो ये कि वो हमारे साथ इंटरेक्ट ज़रूर करती थी. वो हमारे साथ बैठ के टीवी ज़रूर देखती थी, कार्टून से देखती थी. उससे वो जो वही जैसे आयशा ने बात की कि आपकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और आपके जैसे मूड स्विंग्स हैं वो ख़त्म होते हैं. ठीक है, कार्टून्स की एक अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज बहुत इंप्रूव होती है. अगर आप इंग्लिश के कार्टून्स देख रहे हैं तो आपका एक्सेंट बहुत इंप्रूव होता है. मेरी सराउंडिंग्स में मैंने एक बच्ची को देखा है कि वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तानी है, लेकिन उसका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा है. क्यों? क्योंकि वो कार्टून्स देखती है. लेकिन कार्टून्स भी फॉर द लिमिटेड टाइम, प्लस उसके पेरेंट्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि वो डाउनलोडेड वीडियोज़ हैं, उसने वही देखनी है.
उसने खुद से सर्च या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। और एक ये कि ठीक है जब आप एडिक्ट हो रहे होते हैं या बच्चों में वो वायलेंस का एक एलिमेंट आ रहा है, तो अब वहाँ पे हमारी ये मोरल और वहाँ पे हमारी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मदर्स भी उतना ज़्यादा हाइपर ना हो, क्योंकि ये भी एक ऑब्जर्वेंस है कि बच्चा अगर हाइपर हो रहा है ना तो मदर आगे से और हाइपर होगी, ऐसे ना करो ऐसे ना करो ऐसे ना करो। तो वहीं पे तो एक्चुअली आपने बताना है आपका इम्तहान शुरू होना है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टाइम आपको लगता है अगर आपका बच्चा एडिक्ट है, लेकिन उस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए आप स्लोली उस पर काम करेंगे, एट द टाइम वो ठीक हो जाएगा। सर आज के टॉपिक के हवाले से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जहाँ पे तालीम की बहुत शदीद कमी है और उनको एजुकेट करने में अवेयरनेस देने में कार्टून का बहुत ज़्यादा हाथ हो सकता है। बाकी जहाँ तक मैंने असेस किया है कि लोगों का ज़्यादा मसला है कि एग्रेशन हो जाती है बच्चों में, तो मेरे ख्याल के मुताबिक इसमें हमारे जो इस्लाम से दूरी का भी दखल है। अगर पांच वक्त आप नमाज पढ़ें तो जो बच्चा वो डेफिनेटली नमाज पढ़ेगा, उसके टाइमिंग नमाजें पढ़ने के बाद तो को फालतू टाइम ही नहीं ना मिलता, तो वो उसके पास इस तरह के जो है बड़ा लिमिटेड टाइम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो दूसरे जो है कि अब हमें ज़रूरत है कि उर्दू में हमारी अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो डब करके, जैसा कि आपने कहा वो डब करके करें, कंटेंट्स जो हैं डिवेलप करने चाहिए जो अपने हीरोज़ या अपनी वैल्यूज़ को जो है वो पोर्ट्रे करें। ठीक हो गया। आयशा आप क्या मैसेज देंगे? मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारा जो रिलीजन का जो एक हमारी जो वाबस्तगी है वो थोड़ी सी कम हुई हुई है। अगर कार्टून के जरिए अगर बच्चों के अंदर ये चीज़ें इन्हांस की जाएं तो ये हो सकता है। तीन बहादुर है या और हमारे साथ के जो कार्टून थे उनमें इसका एलिमेंट था है और मैं उसको दोबारा अप्रिशिएट करती हूँ। दूसरा ये है कि जो कॉन्टेंट है दैट नीड्स टू बी के पेरेंट्स को देखें कि कौन सा कंटेंट बच्चे किस तरह के एक्सपोजर उनको हुई भी है और उनकी टाइम ड्यूरेशन जो है दैट शुड बी स्पेसिफिकली लिमिटेड कि वो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए देख सकते हैं। ठीक हो गया। तैयबा आपकी जानिब से क्या मैसेज? जो पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को टेक्नोलॉजी गैजेट्स ज़रूर दें, लेकिन टेक्नोलॉजी और गैजेट्स आपका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। सो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, प्लस अगेन वही कि टाइम ड्यूरेशन तो आपने कर ली, लेकिन उनके साथ वो जो कार्टून मूवीज़ हैं, जो कार्टून जो भी स्टोरीज एंड ऑल, वो आप खुद साथ बैठ के देखें, सो दैट उनके लिए भी वो गाइडेंस हो और आप भी जब अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच लेडीज़, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का भी। और आज का टॉपिक हमारा डेफिनेटली इस हवाले से हमने कोशिश की कि इन्फॉर्मेशन दी जाए उन पेरेंट्स को जो आज हमारा शो देख रहे हैं और बच्चों के लिए, क्योंकि यही वो एज होती है जब उनकी दिमागी जो नशोनुमा, फिजिकल नशोनुमा तो हो रही होती है लेकिन साथ साथ मेंटल जो है वो भी हो रही होती है, तो उसमें उनके लिए पॉजिटिविटी होना उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कार्टून्स की शक्ल में हो चाहे वो बिहेवियर्स की शक्ल में हो, ये सारा कुछ डिपेंडेंट पेरेंट्स पे भी है। और एट द एंड हम इस मैसेज को कन्वे कर पाएंगे, उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर आप फीडबैक दे सकते हैं, और इनकेस आज का शो आपने मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।